हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे एसईओ टिप्स बताऊंगा जो आपके चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स है आपके, तो आइए जानते हैं, देखते हैं कौन कौन से टिप्स हैं। तो पहला मेरा जो एसईओ टिप्स है वो ये है कि आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन, ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि टाइटल जो है आपका कभी भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, टाइटल हमेशा सिंपल रखें। और टाइटल आपका जो वीडियो है उससे एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ एकदम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वीडियो कुछ और है, टाइटल कुछ और है। और टाइटल में देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये सेलिंग मर्चेंडाइज ऑन यूट्यूब क्रिएट द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, ऐसे यहाँ पे कुछ टाइटल और दिखा रहा हूँ मैं आपको, से कुछ वीडियोस का ही। तो टाइटल हमेशा स्पेसिफिक रखें, ऐसा कुछ मतलब ज्यादा डालने की कोशिश मत करें अपने टाइटल में। जरूरत से ज्यादा जितने में आपका वीडियो डिस्क्राइब हो जा रहा है उतने में ही आप रखें। यहाँ पे देखिए इस वीडियो का टाइटल में, और डिस्क्रिप्शन का कैसे लिखना है। डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी आप यहाँ पे देखिए, आप YouTube क्रिएटर एकेडमी में इन्होंने जो है कि एक दो लाइन से ज्यादा इन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है। तो YouTube क्या करता है, जो सर्च इंजन रैंकिंग के लिए YouTube मेटा डेटा का यूज करता है। मेटा डेटा क्या होता है, आपके वीडियो का टॉपिक क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन और टैग, इन तीनों का इस्तेमाल करता है रैंक बनाने में YouTube। ये मेटा डेटा होता है। तो आपका जो टॉपिक है वीडियो का, आपका डिस्क्रिप्शन और टैग, ये जो है कि बहुत ध्यान से आपको बनाना चाहिए। और अगला स्टेप है कि आपका डिस्क्रिप्शन ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में कभी भी भूल कर टैग ना डालें, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है यूट्यूब के। अगर आप डिस्क्रिप्शन में टैग डालते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा टैग स्पैम की वजह से। बहुत सारे क्रिकेट वीडियोस आप खोल करके देखिए, क्रिकेट वीडियोस में काफी सारे टैग डाले हुए होते हैं, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। और अगला हम बात आते हैं कि टैग किस तरह से डालें। तो टैग कई तरह के होते हैं, जैसे स्पेसिफिक टैग होते हैं, वन वर्ड टैग होते हैं, कंपाउंड टैग, जेनरिक टैग, मिसस्पेल्ड टैग, सिंगल एंड प्लूरल टैग, ये काफी सारे टैग होते हैं। तो आप जो है कि टैग जनरेट करने के लिए आप टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अगले वीडियो में आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा कौन कौन से टैग जनरेटर टूल्स हैं, तो आप मेरा चैनल देखते रहिए। और अगला वीडियो आता है कि देखिए, आप जब आप इतनी मेहनत से भी अपना वीडियो बना रहे हैं तो अपने वीडियो की परफॉर्मेंस भी देख लिया कीजिए कि कितनी परफॉर्मेंस है, कितना जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है मेरा आपका वीडियो। और आप अपने वीडियो के एसईओ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आप विडाई क्यू यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक वीडियो खोला हुआ है, इसकी पूरी रिपोर्ट जो है विडाई क्यू दे रहा है। यहाँ पे देखिए, इस वीडियो का टोटल विडाई क्यू स्कोर 45.3 है, और पूरा इस वीडियो के साथ साथ चैनल का भी रिपोर्ट देता है। ये देखिए, इस चैनल पे 2,42,000 सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे देखिए कि इस वीडियो में कौन कौन से टैग डाले गए हैं, तो आप vidIQ यूज कर सकते हैं इसकी एसईओ परफॉर्मेंस किसी भी वीडियो का जांचने के लिए, किसी भी चैनल का जांचने के लिए। और आप ट्यूबबडी इंस्टॉल करना चाहते हैं, ट्यूबबडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से भी आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और अगला है आपका कि थंबनेल। देखिए, थंबनेल का बहुत फर्क पड़ता है हमारे YouTube वीडियोस में। थंबनेल जितना अच्छा होता है, चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं कि लोग हमारे वीडियोस पे क्लिक करेंगे। आपको लगता है कि मेरे को निकाल दे? ठीक है ना, मतलब थंबनेल का हमारे वीडियोस में बहुत ही फर्क पड़ता है। थंबनेल जितना अट्रैक्टिव होता है, चांसेस उतना ही ज्यादा होते हैं कि लोग हमारे वीडियोस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे। YouTube ट्रेंड में आप जाकर के देखेंगे तो कई सारे वीडियो जो है थंबनेल की वजह से जो है ट्रेंड करने लगते हैं। और अगला मैं SEO टिप्स जो आपको दूंगा वो ये है कि अपने कंपटीटर्स को देखिए, उनको देखिए जो आपसे बेहतर हैं, जो आपसे जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको हमेशा देखते रहिए, क्योंकि उनको
उनसे जो है कि आप हमेशा सीखेंगे, कुछ ना कुछ आपको हमेशा सीखने का ही मिलेगा। और टूल्स, आप प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, आपको टैग जनरेटर टूल्स का इस्तेमाल करना है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला SEO टिप्स ये है कि आप सोशल मीडिया पे शेयर करना ना भूलें। जब आपका फेसबुक अकाउंट है या ट्विटर पे है तो फेसबुक पे आप अपना पेज जरूर बनाइए, और ट्विटर पे भी आप उसका अकाउंट या पेज बना करके, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल पेज, जहां तक बना करके, अगर ब्लॉगर पे है तो ब्लॉगर पे भी इसको जरूर प्रमोट करें, क्योंकि इससे आपके चैनल पे ट्रैफिक बढ़ाने में काफी मदद मिलती है, फेसबुक हो या ट्विटर हो। और अगर आपको ऐसे ही और टिप्स चाहिए, SEO टिप्स, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। अभी क्या है, थोड़ा सा मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो कभी कभी लड़के डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो वीडियो बनाने मुझे दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए अभी तक यही है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आपसे एक और वीडियो में मिलूंगा, और वो वीडियो इससे बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आज उतना बेहतर नहीं हो पाया है।